तो आज हम ले रहे हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों एक कॉमन हेड के अंदर आती हैं, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है दिस इज एडमिनिस्टर्ड, यानी कि इसको सारा काम कौन संभालता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन अप्लाई करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, ये एडमिनिस्टर करता है। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, उसका प्राइमरी कंसर्न ये होता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है, और जो भी मनी की सर्कुलेशन है हमारी इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो प्राइमरी कंसर्न अगर हम इसका पढ़ें क्या है, मैनेजमेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, और क्या है, एंड टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। तो ये सेंट्रल बैंक ध्यान रखता है कि क्या सर्कुलेशन में कितना मनी है और कितना होना चाहिए जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं, और इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जितने वो लोअर होते हैं उतना ज्यादा हमारा सर्कुलेशन में मनी होता है, यानी कि लोअर द रेट, जितना लोअर होगा रेट उतना बैंक बोरो करेगा। ठीक है, और मतलब सर्कुलेशन में मनी ज्यादा जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों अप्लाई किया जाता है, क्या रीजंस होते हैं, तो जो मेन गोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, वो बहुत सारे गोल्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला गोल होता है कि जो जीडीपी है उसकी स्टेबिलिटी हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है हमारी जीडीपी की स्टेबिलिटी से। ठीक है, तो इसका फर्स्ट गोल होता है कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ जीडीपी। सेकेंड गोल होता है कि ये अचीव करे लो अनएम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज्यादा कंट्री के लिए बेनिफिट होगा, उतनी ज्यादा अच्छी जीडीपी होगी, तो मेंटेन करे लो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जो एक्सचेंज रेट्स हैं, यानी कि जिस जैसे हमारा रुपीज अगर हमें डॉलर में एक्सचेंज करना है तो जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनको भी मेंटेन करता है, प्रिडिक्ट करता है कि हो सकता है हमारे फ्यूचर में ये एक्सचेंज रेट हो, तो क्या मेंटेन करता है, प्रिडिक्टेबल एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट से कंफ्यूज मत होना, एक्सचेंज रेट का मतलब है विद अदर करेंसीज, मतलब अदर करेंसीज के रिलेशन में। तो अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कैसे टाइप्स की होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप में आ सकती है, या तो एक्सपेंशनरी या तो कंट्रैक्शनरी। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, एक्सपेंशनरी मतलब कि एक्सपैंड कर रहे हैं हम किसी चीज को, वो आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक्सपेंशनरी वर्ड पड़ा। एंड देन कंट्रैक्शनरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशनरी के फीचर्स सबसे पहले देखते हैं। एक्सपेंशनरी में जो हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो यूजुअली लोअर रखे जाते हैं देन द यूजुअल। अभी हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी का ही क्या फीचर पढ़ा था, कि अगर जब लोअर रेट्स होते हैं तो जो सप्लाई है मनी की इकोनॉमी में वो ज्यादा होती है। तो यहां पर एक्सपेंशनरी में क्योंकि हमें एक्सपैंड करना है, मतलब मनी का सप्लाई ज्यादा करना है इकोनॉमी में, तो इंटरेस्ट रेट्स को लोअर रखा जाता है देन द यूजुअल। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो टोटल सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में इंक्रीज करती है। ठीक है, यहां पर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो ज्यादा होती है और टैक्सेशन कम। ठीक है, यहाँ पे स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है और टैक्सेशन कम। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी तब अप्लाई करी जाती है जब हमें अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा कम करना हो। रिसेशन के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो उसको कम बैक करने के लिए हम मॉनेटरी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई या सेंट्रल बैंक मॉनेटरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाती है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होता है। यहाँ पे रिसेशन का, आई होप सबको पता होगी रिसेशन का क्या मतलब है, जस्ट एक छोटा सा बता देती हूँ। रिसेशन में क्या होता है, जब बिजनेस और इंडस्ट्रीज जो भी कंट्रीज की होती हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रही होती हैं, बहुत ज्यादा स्लो डाउन आ जाता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जिसकी वजह से पीपल लूज देयर जॉब, सो वो अनएम्प्लॉयमेंट को कम बैक करने के लिए हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाते हैं। यहाँ पे जो करेंसीज होती हैं यूजुअली उनकी जो वैल्यू है वो डिमिनिश, यानी कि थोड़ी कम होने लग जाए। द वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटेड टू अदर करेंसीज, अगर मैंने जैसे बोला एक्सचेंज रेट जो होते हैं, मतलब एक्सचेंज रेट्स में काफी ज्यादा गिरावट आ जाता है।
ठीक है, अब देखते हैं कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। इसमें उल्टा है बिल्कुल, यहाँ पर जो रेट्स होते हैं वो हायर होते हैं देन यूजुअल रेट्स। ठीक है, यहाँ पे मनी सप्लाई कम हो जाती है इकोनॉमी में, यहाँ पे इन्फ्लेशन को ये कम करने में बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में जो हमारी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है, यानी कि अगर अभी मैं 100 रुपीज में 2 बैग्स खरीद सकती हूँ तो एक साल बाद वही 2 बैग्स मुझे 110 में मिल रहे हैं, यानी कि जो ये 10 रुपीज का यानी 10% का जो इंक्रीज हुआ है वो इन्फ्लेशन रेट, 10% जो है वो इन्फ्लेशन रेट होता है, तो इसमें हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो इसको ये थोड़ा सा कम कर। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, और अगर कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज्यादा फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये इकोनॉमिक रिसेशन का भी रूप ले सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी फिस्कल पॉलिसी पे, तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। फिस्कल पॉलिसी, जैसे हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई या सेंट्रल बैंक एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो फिस्कल पॉलिसी कौन एडमिनिस्ट करता है, जो भी एग्जीक्यूटिव होता है अंडर द लॉ, जो भी उस लॉ में एक एग्जीक्यूटिव होता है उस वो एडमिनिस्टर करते हैं, एग्जीक्यूटिव अंडर लॉज ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन है उसका यूज किया जाता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन मतलब जो कि टैक्सेस जैसे हमारे से कलेक्ट होती हैं, गवर्नमेंट हमारे से टैक्स कलेक्ट करती है, तो वो उनके लिए गवर्नमेंट के लिए तो एक रेवेन्यू कलेक्शन है, तो यहाँ पर क्या यूज होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन। फिस्कल पॉलिसी को यूजुअली यूज किया जाता है जो भी हमारी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि जो बिजनेस साइकिल चलता है उस कोर्स के दौरान हम इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं उसके लिए फिस्कल पॉलिसी को यूज किया जाता है। तो ये ऑफन यूज किसके लिए होती है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। अब जो फिस्कल पॉलिसी है ये काफी चीजों को इफेक्ट करती है, जैसे कि हमारा एग्रीगेट डिमांड, हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों को ये काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। अब हम फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स पढ़ते हैं कि किस किस टाइप्स की फिस्कल पॉलिसीज अप्लाई की जाती है। तो फिस्कल पॉलिसी जैसे एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी, आपने मॉनेटरी पॉलिसी में भी पढ़ा है, इसमें भी है। इस पे एक आती है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी तब ली जाती है जब इकोनॉमी में ना ही रिसेशन हो ना ही बूम की सिचुएशन हो, ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल रहती है जब इकोनॉमी। तो ये कब यूज होगी, कब ली जाएगी, अंडरटेकन व्हेन एन इकोनॉमी इज नीदर इन रिसेशन नॉर अ बूम। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, यानी कि गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है और जो टैक्स रेवेन्यू वो हमसे कलेक्ट करती है वो कम होता है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो ज्यादा है टैक्स रेवेन्यू से। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूजुअली ड्यूरिंग रिसेशन अप्लाई करी जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनल फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग इससे उल्टा है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम है और टैक्स रेवेन्यू ज्यादा। ठीक है, रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट स्पेंड कम कर रही है, ये यूजुअली होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। तो ये थे हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें हमने पढ़ा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी।